दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लाइव प्रोसेसेस कल ही कम्प्लीट हो गया था। हाँ, NCERT सॉल्यूशंस के साथ, किसी ने देखा नहीं बट कम्प्लीट हो गया, चाहो तो देख सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इस पर मेरे को सिर्फ 2 कमेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि फिजिक्स, हाँ फिजिक्स पढ़ा दो, फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा दो, सिर्फ 2 कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा 2 ही आए वही बड़ी बात है, 2 में पढ़ा देता हूँ, मेरे को क्या करना। तो फिर ये उन 2 जनों के लिए है, मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म होने के मैं बात डालता हूँ। अगर आपको एट द स्पॉट अभी चाहिए सॉल्यूशंस तो मैं सॉल्यूशंस भी डाल दूँगा, बुक सॉल्यूशन एंड द नोट्स, ये तीनों ही चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी अगर आप बोलोगे तो। खैर, बुक और नोट्स तो मैं वैसे भी डालूंगा, बट अगर आप सॉल्यूशन का बोलते हो तो मैं सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा। और हाँ, एक और बात, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मेरे को किसी ने कहा कि वो डाउनलोड कर सकते हो क्या, हाँ आप ऑब्वियसली उसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं कोई आपके ऊपर कॉपीराइट का डिस्क्लेमर नहीं डालने वाला हूँ। और नहीं तो फिर इस QR कोड अभी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो, इससे भी आप बुक को ले सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर मॉडर्न सोसाइटी, ये सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी से 5 मिनट ही चले जाए अक्के वक्के हो जाते हैं अपन। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेरिड यूज ऑफ इन होम्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। सो वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोई भी चीज़ साइंस में ईजी होती नहीं है, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही होती है कि नहीं। बॉडी पड़ी तो वो भी कॉम्प्लेक्स, एटम्स पड़े वो भी कॉम्प्लेक्स, और अब इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहे तो वो भी कॉम्प्लेक्स, ईजी तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वॉट डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या फ्लो होता है, हवा तो फ्लो नहीं होती उसके अंदर, कुछ तो होता ही होगा। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? तो अब कैसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ही फ्लो में जाता है, और क्यों जाता है और कैसे जाता है? तो अब अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, वी शुड अटेम्प टू आंसर सच क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सर्किट में अंदर क्या होता है, सर्किट उधर ही क्यों जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों होता है, सब आ गए सवाल मन में। बस अब अपन उनके आंसर ढूंढेंगे, नहीं आए पॉज कर लो, सोचो एक, मतलब ऐसा, मतलब लाइट तो होगी आपके सामने, तो अब सोचो कि हाँ वो बल्ब है, वो स्विच है, वहाँ से वायर जा रहा है, बट वहाँ से ही क्यों जा रहा है, वहाँ से जाना चाहिए था, इधर से ऐसा क्यों किया, पॉजिटिव को नेगेटिव में क्यों डाला, नेगेटिव को पॉजिटिव में डालना चाहिए था। बस इन सारे सवालों का जवाब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो वी शुड ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि ये सीधी सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। चलो लेट इट बी कि कोई पंखा घूम रहा है। अब जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा ही था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जब एक फ़ैन घूम रहा है तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मोटरिक एनर्जी में चेंज कन्वर्ट हो रही है, फिर जो उसकी मोटरिक एनर्जी है वो अब किस में रोटेटिंग एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, एक ही चीज़ है। जब किधर भी ही जिधर, जब कोई रास्ता नहीं होता एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो वो एनर्जी सिंपली हीट एनर्जी में बदल जाती है। जैसे कि अपने पास कोई काम नहीं करने के लिए तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, बस वैसे जैसे भी एनर्जी के पास कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता है चेंज करने के लिए, वो डायरेक्टली हीट में चेंज हो जाती है, और अगर हीट में चेंज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग ही बढ़ेगी ना, बस वही। चलो और आगे, तो ये चैप्टर पहले से ही साइंस के बुक के बाकी चैप्टर्स के जैसे पहले से ही डिवाइडेड है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। तो अगर आपको हो तो मैं वन शॉट भी बना सकता हूँ, इन डिटेल भी बना सकता हूँ, बस आपके कहने की देर है बिड़ू। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन रियल चैप्टर विथ नो बकवास। इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट, वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड द वाटर करंट, है कि नहीं, एयर में कैसा करंट होता है, वाटर में कैसा करंट होता है, ये तो पता है अपन को।
We know that flowing of water constitutes water current in rivers. Yeah. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, अगर कोई electric charge किसी conductor से या फिर metallic wire से through के कहीं पर जा रहा है, we said that there is an electric current in the conductor. मतलब कि अगर electric current किसी conductor से होके जाएगा, तो हम उस conductor को भी electric current ही मानेंगे. In a torch, we know that the cell or a battery, when we placed in a proper order, provide a flow of charge of an electric current through the torch bulb to glow. Yeah, अपन को पता है अगर आप लोग मेरे जैसे कबाड़ी लाल मतलब नहीं कबाड़ी लाल सही नाम नहीं है हाँ मतलब जुगाड़ू लाल हो तो आपको पता ही होगा कि अपनी कैसी आदत है जो भी चीज़ आई उसको खोले बिना अपना मतलब मन ही नहीं मानता टॉर्च आई टॉर्च को खोल के देखा ऑपरेशन किया टूट गई फिर उसको सही करने के लिए कोई जुगाड़ लगाया बस वही तो है साइंटिस्ट अपन सब साइंटिस्ट वैसे ये सबकी आदत होती है कोई जैसे कार आ गई और वो ख़राब हो गई कुछ लोग जानबूझ करके उसको ख़राब करते हैं और फिर उसमें से मोटर निकाल देते हैं वायर निकाल लेते हैं फिर उससे बल्ब अटैच करते हैं फिर सब फिर बस मज़े लूटते हैं तो चलो फिर और आगे वी फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ एन हाँ ये हो गया तो जो मैं खुद ही बोल रहा हूँ वी हैव ऑल्सो सीन डेट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विचेस ऑन या सिर्फ लाइट ही देती है वो सब्जी नहीं बेचेगी व्हाट डज अ स्विच डू अब स्विच क्या करता है स्विच एक स्विच क्या कर सकता है एक स्विच छोटू सा स्विच Switch makes a conducting link between the cell and the bulb. Yeah, sling के बिना थोड़ा बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है जैसे धनिया के बिना चटनी सॉरी हाँ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ आज मैं तो a continuous and a closed path of an electric circuit is called an electric current is called an electric circuit. Yeah. तो अब बहुत बार आप इलेक्ट्रिक बोलते रहो क्योंकि इलेक्ट्रिक के बाद जो अगला वर्ड आता है वो हमेशा तोतला ही आता है नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ द सर्किट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो सीधी सी बात है भाई ये तो अपन को 5 साल के थे तब भी पता था कि अगर स्विच बंद है तो लाइट नहीं चलेगी हाँ तो अब इसको 10th में बताने का क्या मतलब कोई मतलब नहीं अब अपन मेन बात पे आते हैं How do we express the electric current? Yeah, तो ये आ गई है मेन बात इलेक्ट्रिक करंट को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई तो इलेक्ट्रिक करंट में एक और बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ टाइम मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेसिफाइड या फिर पर्टिकुलर अमाउंट है चार्ज का जो एक स्पेसिफाइड एरिया में एक यूनिट ऑफ टाइम से फ्लो होता है और ऐसे अलग शब्दों में भी अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स तो ओके तो ये सीधी सी बात है It is the rate of the flow of electric charges. Electric charges की rate है और flow है बस इतना सा तो in a circuit using a metallic wires, electron constitute the flow of charges. मतलब metallic wire को use करके electrons एक position से दूसरी position पर जाके bulb में glow होते हैं However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. यानी कि जब ऐसा पता चला था कि electricity भी कुछ होती है हाँ electricity भी कुछ होती है उस time electrons का नहीं पता था कि electricity ही नहीं भाई वो इतनी easy नहीं है science उसको और complex है electron भी है अंदर So, electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of the flow of positive charges were to be taken to the direction of electric current yeah to positive charges hi mante the unko negative charges nahi mante the but ab negative positive dono ek hi saman hai
Convention in an electric circuit, the direction of an electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जैसे मोटर है उसके ऊपर कोई फैन लगा दिया और एक बैटरी भी है, तो भाई आ गया दिमाग अपने अंदर, बस अपन बन गए हैं फिजिक्स के एक्सपर्ट, ये लगाया पॉजिटिव पॉजिटिव में, ये लगाया नेगेटिव नेगेटिव में और ये पंखा घूमने लग गया। बट कभी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में लगा के देखा है पंखा उल्टा घूमेगा? यस, सबने देखा हुआ है। तो अब ये एक और आ जाता है फॉर्मूला, जिसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे मैं भले IM भी लिख दूँ, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ अ नेट चार्ज, चलो लेट इट बी एक नेट चार्ज ले लेते हैं, वो है क्यू, ठीक है, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अच्छा, वो किसी भी कंडक्टर में जा रहा है, कोई भी कंडक्टर है, मेटेलिक वायर है उसमें जा रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में, तो जो करंट है वो होगा ये, मतलब करंट इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन द स्पेसिफाइड टाइम। अब ये तो ऐसा यूनिट, अब तो ये वाला जो पैरा है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई सोच भी नहीं सकता। या जैसे कि वाटर की वेव्स के लिए मून इम्पोर्टेंट है, बस वैसे ही जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इम्पोर्टेंट है, बस वैसे ही बेटू। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलम्ब, या कुलम्ब बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है, कुलम्ब, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई वो तो इक्वेशन याद ही होगी, एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो बस उसी के मापे गए ये भी 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। एक कुलम्ब में 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वी नो डेट एन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹⁹ कुलम्ब द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सीधी सी बात है कि जो एक कुलम्ब है उसके अंदर 6×10⁻¹⁸ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए। तो अब अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज भी करते हैं, तो 6×10⁻¹⁸ तो हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, बट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है 1.6×10⁻¹⁹ कुलम्ब। तो अब इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल एम्परी। तो यस, तो जैसे कि यहाँ पर क्यू था, क्यू ही है ए, या क्यू इक्वल्स टू ए, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मारी एम्परी। से वो उन्होंने किया था 1775 से 1836 में। तो वन एम्परी कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ वन कुलम्ब ऑफ अ चार्ज पर सेकेंड। समझ में आ गया, एक एम्परी मतलब कि एक फ्लो कुलम्ब का, एक फ्लो वो भी एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में एक फ्लो। डेट इज़ वन ए इज इक्वल्स टू वन सी बाय वन सेकेंड। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है, स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन अ मिली एम्प्री आर 1 mA इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्प्री, और इन अ माइक्रोस्कोप वन माइक्रो एम्प्री इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्प्री। एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल एम्प्रीमीटर, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो एम्प्रीमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, थ्रू विच द करंट इज मेजर। तो अब हमारे पास एक फिगर है 12.1, शोज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग इन अ सेल। तो इसके अंदर क्या है, एक सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एम्प्रीमीटर है और प्लग की है। तो हाल फिलहाल जिन्होंने भी बचपन में ध्यान नहीं दिया होगा उनकी क्लासों में, उनको ये सर्किट समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, इसमें सिर्फ ये एम्प्री नया है, बाकी कोई भी समझ में नहीं आ रहा होगा। फिक्र मत करो, हम आगे जाके सिस्टमेटिक सिंबल्स पढ़ने वाले हैं, उससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम द पॉइंट, तो अभी एक और है, किसने किया नोट दैट देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एम्प्रीमीटर। इतनी सीधी बात है, नो बकवास है,
कि जो फ्लो है करंट का वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नहीं आया समझ में? फ्लो लगता है आपके सिर के ऊपर से चला गया। चलो मैं एक और बात बताता हूँ। तो फिर ये देख लो, ये है एक सेल, ओके। तो अब इसमें ये जो है, ये है एक स्विच, और ये जो है ये एक सेल है, और फिर ये है एक बल्ब। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है वो हमेशा इधर से होके, इधर से होके, इधर से होके, इधर से होके नेगेटिव तक की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हो जाएगा एकदम करेक्ट, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट, और आपको मिल जाएंगे फुल में से फुल मार्क्स। बट जहाँ तक बात आती है इसकी, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव से आ रहा है करंट और फिर जा रहा है पॉजिटिव पे। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसमें तो आपको एकदम जीरो मार्क्स मिलेंगे। यस, इन लोगों ने मेरी बकवास सुन ली है और अब नोट से पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दो, नोट्स ज़रूर आ जाएंगे। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल। तो अब इसमें क्या होता है कि एक करंट है 0.5 एम्पीयर का, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये तो फॉर्मूला याद ही होगा कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो बस यही फॉर्मूला इधर भी यूज़ कर रहा है। तो देखो, अभी अपन को आई नहीं निकालना, क्योंकि आई अपन को दिया हुआ है किधर, या ये 5 एम्पीयर, और सेकंड्स को, मिनट्स को अपन को सेकंड में कर देना है, 10 मिनट्स को इनटू 6 कर देना है। तो फिर बस ये तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब अपन अगर को आई को लेना है, तो फिर तो हम ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि अपन को आई फाइंड करना था, बट आई है अपने पास। अब अपन को फाइंड करना है क्यू। तो ये जो क्यू है ये आ जाता है इधर, और फिर ये हो जाता है आई बाई टी। तो फिर इंटू कर दिया 300 कुलूम, हमारा आंसर आ गया। कुलूम लिखना मत भूलना, एम्प्री नहीं लिखने का है, कुलूम लिखने का है। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बट ये बाद में सॉल्व करेंगे नोट से पढ़ने के बाद। तो चलो मैं नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। तो ये स्वागत है उन लोगों का जो उन्होंने नोट्स तक स्किप कर लिया है, क्योंकि मैंने आज नहीं बताया, क्योंकि पुरानी भी दोस्तों होते हैं वो लोग देख ही रहे हैं। स्वागत है आप लोगों का, मैं हूँ धीरज, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो फिर ये है नोट्स, हाँ ये अवेलेबल होंगे कमेंट में, मैं इनको अवेलेबल कर दूंगा। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो 5 मिनट भी नहीं रह सकते। इन दिस मॉडर्न सोसाइटी इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। सिंस वी आर अ साइंस स्टूडेंट, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बोलने से ही ना बिजली दौड़ जाती है शरीर में। तो अब चार्ज क्यू, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी एदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और एन अ पॉजिटिव प्रोटॉन। कुलूम इज द ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज रिप्रेजेंटेटेड बाई सी। तो कुलूम है वो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो अब नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज यानी कि क्यू, यानी कि टोटल चार्ज। आई सी, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंड इन नियरली इलेक्ट्रॉन 6×10^18। ये कैसे हो गया 6×10^18? हमको तो किधर नहीं बताया, मैं बताता हूँ। अब क्यू यानी कि नेट चार्ज इक्वल्स टू एन ई। अब एन ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्यू में यानी कि एक कूलम में कितना होता है? 1.6×10^-19 कूलम नेगेटिव चार्ज एंड ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? हिल इक्वल्स टू क्यू अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू रहा 1, इलेक्ट्रॉन रहा ये 1.6×10^19। तो ये तो ऐसा हो गया 100/16 हो गया है। तो अब इंटू 10^18, तो ये हो गया 6.2×10^18। तो मतलब कि
एन मतलब कि 10^18 एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब करंट क्या है? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट डिनोटेड बाय आई. आई एंड टी इज द टाइम. एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पेरी रिप्रेजेंटेड बाय ए. ओके अब एम्पेरी डिफाइंड एज वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड. मतलब कि एम्पेरी एक कूलम का चार्ज है जो कि एक सेकेंड में फ्लो होता है. तो अब ये है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ पॉजिटिव चार्ज. कन्वेंशनली इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी बैटरी और अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव में. स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ अ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन एम ए यानी कि मिली एम्पेरी इक्वल्स टू 10^-3 एम्पेरी 10^-3 एम्पेरी और माइक्रो एम्पेरी मतलब 10^-6 एम्पेरी. तो अब एक एमीमीटर और होता है जिससे हम लोग एम्पेरी को मेजर कर सकते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. इट ऑल्सो कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ अ सर्किट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम्पेरी पॉजिटिव ए नेगेटिव और लाइन. इट इज़ अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ लो रेजिस्टेंस. ओके अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये जो आपके सामने है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर 3 सेल एक की एक एमीमीटर और एक बल्ब है जो थोड़ा बहुत हार्ड के जैसा लग रहा है बट नहीं वो बल्ब है. इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो. द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो एक फैक्ट पॉइंट कभी भी इलेक्ट्रिक एरो को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मत लेके जाना. हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लेके जाना. ओके तो अब ये है द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन प्रेशर. तो ये अभी तक नहीं पढ़ा इसलिए मैं नहीं पढ़ा सकता. तो अब मैं करा देता हूँ जितना पढ़ा है उसके सॉल्यूशंस क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करा देता हूँ. तो इन रहे सॉल्यूशन. सॉरी अगर आप लोग कमेंट में नहीं लिखोगे तो फिर मैं सॉल्यूशंस कमेंट में प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो अभी रहा क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन. तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है स्विचिंग डिवाइस होता है और एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेट्रा डेट आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स या फिर मेटेलिक वायर्स. तो अब डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन एम्पेरी. वन एम्पेरी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ अ चार्ज थ्रू अ वायर इन अ सेकेंड. पढ़ा हुआ है बहुत बार पढ़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा ईजी है. तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग इन अ वन कॉलम ऑफ चार्ज. तो ओके तो ये है एक इलेक्ट्रॉन प्रोसेसर्स अ चार्ज ऑफ 1.6×10^-19 कूलम. डेट इज 1.6×10^-19 कूलम ऑफ अ चार्ज इज कंटेन इन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है तो अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6×10^-19 कूलम जिसका मतलब होता है 6.25×10^18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स कूलम नहीं इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 10×10^18 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर 6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो हो चुके हैं खत्म. मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि चैप्टर ख़त्म हो गया. चैप्टर ख़त्म हो गया नहीं हुआ है चैप्टर ख़त्म. सिर्फ आज की क्लास ख़त्म हुई है. थैंक यू. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो. ब्रोज एंड सिस्टर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग.